मुंडावर विधायक ललित यादव चुनाव जीतने के बाद मतदाताओं के बीच पहुंचकर धन्यवाद यात्रा का शुभारंभ आज गुरुवार को पैतृक गांव फौलादपुर से शुरुआत की। विधायक ललित यादव ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी के सहयोग की बदौलत मुझे आप लोगों ने विधायक बनाया है। मैं आप लोगों के बीच में आप लोगों की समस्याओं को सुनकर समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। धन्यवाद यात्रा का आज शुभारंभ पैतृक गांव फौलादपुर से करके पूरे विधानसभा क्षेत्र के गांव के चौपाल पर पहुंचकर लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। वहीं लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखकर समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौके पर उपस्थित रहे। यहाँ पर उपस्थित मेरे अपने परिवार के 36 कौम के मेरे अपने परिवार के सदस्य और भूमिया, सबसे पहले तो मैं आप सबका आभार धन्यवाद करना चाहते। इस चुनाव में बहुत मजबूती के साथ सब लोगों ने प्रयास किया, गांव-गांव ढाणी-ढाणी में आप लोग गए और मैं तो समझता हूँ कि पूरे गांव ने, अब मेरी नज़र में कोई नहीं ऐसा कि जिसने मदद नहीं करी, सब लोगों ने, पूरा गांव ने, 36 कौम ने मिलकर के इस चुनाव में अपना चुनाव मान करके आप सब लोगों ने सबका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। और आने वाले वक्त में आप सब लोगों ने मिलकर के जो ताकत दी है, आने वाले वक्त में भी आप सब लोग मिलकर के जो मेरे संज्ञान में कोई काम लाओगे और जो मेरे लायक काम होगा तो निश्चित रूप से बेझिझक कोई भी व्यक्ति आधी रात को मुझे आकर बताएगा, टेलीफोन से सूचना देगा तो मैं उसमें खड़ा मिलूंगा पूर्व की तरह ही, ताकि मैं पूरे इलाके में चुनाव के बाद भी कंटिन्यू जा रहा हूँ। जैसा पहले लोगों से संवाद था उसी प्रकार का संवाद फिर दोबारा से हमने स्थापित चालू कर दिया है और लगातार लोगों के बीच में है, सबका प्यार प्रेम आशीर्वाद बढ़ा हुआ है, आप सबका आशीर्वाद भी मेरे ऊपर बढ़ा हुआ है। हम सब लोग अभी मेरे से पूर्व में कह रहे थे कि आप सब लोगों को के पास ताकत है, लेकिन हम सब लोग उस ताकत को सही दिशा में यूटिलाइज करेंगे तो हमारे इस गांव की भी शान है और मेरी इज्जत भी आप सबके हाथ में है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति उस दिन बता रहे हैं कि पटाखा चला दिया जिसमें आपका तो कोई मतलब ही नहीं, आप वहाँ हो ही नहीं, और उसके बाद भी लोग कह रहे हैं कि आज इन्होंने ये काम कर दिया, तो इसलिए ये आपने चुनाव भी आप लोगों ने जिताया, पूरे गांव ने मिलकर के पूरे इलाके में गए, आप सबकी जिम्मेदारी है कि हम सब लोग उसको बना के रखें कि कल कोई आदमी ये बात नहीं कहे कि भाई फौलादपुर का आदमी ये हो गया तो हमारे साथ ये हो गया। इस बात को हम सब लोग बना के रखेंगे और सरकार तो बड़ी नहीं लेकिन मुंडावर की सरकार तो आप सबने चुन दी, जैसा भी जो भी काम कहोगे आप लोग, बहुत बड़े काम तो सरकार से होते हैं लेकिन जो भी काम आप बताओगे उसके लिए पूरी आपकी लड़ाई लड़ेंगे, इलाके के लिए लड़ाई लड़ेंगे और मजबूती के साथ आप सबको साथ लेकर के कंधे से कंधा मिला करके फिर दोबारा से इलाके में विकास काम करने के लिए काम करेंगे। इसी बात के लिए आज आप सब लोगों को यहाँ निवेदन किया है कि पुनः मैं तो वही बात दोबारा कह रहा हूँ कि ये चुनाव जो पिछला हुआ, मैंने तो बहुत चुनाव देखे हैं, बहुत चुनाव दूसरा मैंने खुद में लड़ लिया, जो चुनाव मुंडावर में इस बार हुआ मैंने चुनाव ऐसा नहीं देखा कि किसी भी कौम जाति के गांव में गए हों जहाँ चुनाव जातियों का चुनाव पहले होता था, लेकिन इस बार कोई जाति का चुनाव नहीं हुआ, 36 कौम के गांवों से वोट मिला, इवन एक दो गांव तो हमारे चौधरी भाइयों का चुनाव जीत करके मैं आया हूँ, तो कहाँ जाति का चुनाव बचा बताओ मुझे आप। ये चीज हमने पहले भी कही थी कि चुनाव मुंडावर का चुनाव होगा जो 36 कौम और भाईचारे का चुनाव होगा, उसी भाईचारे के साथ हमने चुनाव लड़ा है और आने वाले वक्त में भी उस भाईचारे को मजबूत करेंगे, कमजोर नहीं होने देंगे। हमारे खुद के गांव में भी 36 कौम के लोग रहते हैं, ये भाईचारा हमारा पहले से बड़ा हुआ है गाँव का भी,
ऐसा ही भाईचारा हमने उन्नाव में स्थापित करने की चेष्टा की और वो स्थापित हुआ है और उसका फायदा आपको मिला है। तो मैं तो यही बात कहूँगा कि जिस तरीके से इलाके ने और सब ने सहयोग किया है उससे ज़्यादा आगे बढ़ कर के मैं वहाँ खड़ा मिलूँगा कि आपको जहाँ आप गए हो, जहाँ आपने बात कही है कि भाई आपका काम करेंगे, खड़ा मिलेंगे, उस आपकी बात को कमज़ोर नहीं पड़ने दूंगा। ये बात कहने के लिए आपको भी और मैं तो इस गांव का सबसे आखिरी पंक्ति का व्यक्ति हूँ। आप सब लोगों ने मिलकर के, 36 कौम के लोगों ने मिलकर के और पूरे उन्नाव क्षेत्र के लोगों ने मिलकर के जो आशीर्वाद दिया है, अपने आप में ये बहुत बड़ी ताकत है कि कोई पॉलिटिकल घराने से नहीं आते हुए भी आप सब लोगों ने इस लड़ाई को लड़ा है। और मुझे जो 34 साल की उम्र में आप सब लोगों ने विधायक कुर्सी बैठाने का आप लोग काम किया है, तो ये बहुत ऐतिहासिक क्षण आप हम सबके लिए रहा। मुंडावर के लोग भी आज इस बात को कहते हैं, जो ऊपर की बेल्ट है, जो हमारा जिंदौली की बेल्ट है, उस बेल्ट में भी बेचारे लोग कहते थे कि भाई यहाँ कोई व्यक्ति चुनाव जीत नहीं सकता, यहाँ तो चुनाव बीजेपी पार्टी के लोग चुनाव जीतते। लेकिन मुझे बताते हुए हर्ष इस बात का है कि पूरे इलाके के अंदर कहीं भी आप चुनाव नहीं हारे, सारे राउंड में आप लोग चुनाव जीते हो। और ऊपर की जो 10 नंबर की जो बेल्ट थी, इस बेल्ट में हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव जीतते थे, उस बेल्ट ने भी आपको आशीर्वाद दिया है। तो निश्चित रूप से उस उनकी भावनाओं को और जिस भावनाओं से उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया उसको हम मैं बनाकर रखने का प्रयास करूँगा। आने वाले वक्त में भी मजबूती के साथ उनके पास फिर दोबारा जाना है, उनके सबके जो काम है वो मिलकर हम लोग करेंगे। आज उन्हें मैं पूरे